walk all over you. कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं शांत न्यूयॉर्क सिटी को, लेकिन वो शांति ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि वहाँ का शांति भंग करने आ जाता है जैको लैंटर्न, एक संकी क्रेजी विलेन। कहाँ गया हो? वो चीखता है कि कहाँ गया हो। उसे पता नहीं कि खेल के वक्त अपना सीमा छोड़ के जाना नहीं चाहिए। लगता है उसे खेल का नियम सिखाना ही पड़ेगा। संभाल के सर फिरो। जैको लैंटर न्यूयॉर्क के सिटीजन्स को तंग करता है और पूछता है कि कहाँ गया हो। कहाँ है उच्च पर गंजू, बताओ। और तभी पीछे से उसे कोई कहता है, I'm so sorry, लेकिन क्या करूँ, मम्मी ने मुझे सही मैनर्स नहीं सिखाया। तभी हम देखते हैं वेनम को जो जैको लैंटर्न के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। आई थिंक हमारा कुछ पुराना हिस्सा बाकी है, याद है ना? और वेनम अपने बाएं हाथ से जैको लैंटर्न का गला पकड़ के उसे बेलकनी के बाहर लटका के रखता है। और संकी जैको लैंटर्न वेनम के हाथों दबे हुए आवाज में चीखता है और डर के मारे कहता है, ओके ओके ओके, पकड़ लिया तूने मुझे, ठीक है अब अंदर ले मुझे। क्या तू अपने जान को भीख मांग रहा है? इतना डरपोक कब से बन गया तू? चल हट। और इतना कहते ही वेनम जैक को ऊपर से नीचे फेंक देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैक के नीचे गिरते ही वेनम भी उसके पीठ के ऊपर कूद जाता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देता है बहुत ही बुरी तरीके से। और ये सब देख के आसपास के डरे हुए लोग पूछते हैं, क्या वेनम इसे मार देगा, क्या वो उसे मारने वाला है? और ये सब सुन के एडी ब्रॉक जवाब देता है कि नहीं, मौत जैसे आसान चीज की लायक नहीं है, ये तो अभी जिंदा रहेगा। लेकिन तभी एडी ब्रॉक को कुछ एहसास होता है। वो कहता है कि रुको, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है यहाँ पे। क्या हो रहा है मेरे साथ? और तभी हम देखते हैं कि वेनम के बॉडी में अजीब सा कुछ हो रहा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? वेनम वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और कुछ सेकंड बाद वेनम एक पोर्टल से बाहर निकलता है। ये क्या था? लग रहा है मेरे शरीर के सारे हिस्से हिल गए, सारी चीजें सही जगह पे ना, लगता तो है। लेकिन फिर जब वेनम सामने देखता है तो उसके सामने एक तबाह हुआ शहर पड़ा हुआ था, जिस जगह को देख के लग रहा था कि यहाँ पे बहुत बुरा कुछ हुआ है। ये जगह कुछ अजीब सा है। लेकिन जब तक कि वो आगे बढ़ के इसके बारे में कुछ और चेक कर पाए, उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। और वो बच्चा आगे बढ़ के एडी से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए। एडी अपने चेहरे से वेनम का मास्क हटा के कहता है, इट्स ओके बच्चे, सब ठीक है, बस बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे। और इतना कहते एडी उस बच्चे को टच करने जाता है, लेकिन तभी कहाँ से एक शील्ड है कि उस बच्चे के सिर को तरबूज की तरह फोड़ देता है। और वो शील्ड थी कैप्टन अमेरिका की, लेकिन एक कैप्टन अमेरिका नीला नहीं बल्कि काला वेनम का सूट पहना हुआ था। ये देख के वेनम चौंक जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। और कैप्टन अमेरिका वेनम को कहते हैं, तुमने जो देखा है वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो सोल्जर, अगर एक या दो सेकंड भी देर हो जाता तो उसके बाद जो होता वो ना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता और ना ही हमारे लिए। तुम कैप्टन अमेरिका हो और तुमने एक बच्चे को मार दिया, तुम वो कैप्टन अमेरिका नहीं हो सकते जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मेरे पीछे आओ जल्दी, फॉलो माय लीड। कैप्टन के बातों के मुताबिक वेनम कैप्टन के पीछे पीछे जाता है। कैप्टन वेनम को कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं सही सलामत पहले वहाँ पे पहुँच जाए, उसके बाद जो मैजिक तुम्हें यहाँ पे लेके आई है वो मैजिक अब बहुत ही कमजोर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें हमारे चेक पॉइंट के पास ले जाना बहुत जरूरी है। ये सब सुन के एडी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, वेट, चेक पॉइंट, मैजिक, कैसा मैजिक, मैजिक मतलब क्या समझना चाहते हो? किस मैजिक की बात कर रहे हो तुम? ये सब हो क्या रहा है? लेकिन तभी एडी सामने जो देखता है वो देख के एडी चौंक जाता है। वो थे तरह तरह के सुपर हीरोज, वो भी वेनम के रूप में। और कैप्टन अमेरिका एडी को कहते हैं, वेलकम टू द रेजिस्टेंस। और एडी बस हैरान होकर इधर उधर देखता है और फिर कहता है, ये सारे वेनम्स कहाँ से है,
किसी और दुनिया से या फिर किसी और रियलिटी से। तुम्हें लगता है कि ये सब एक अच्छा आइडिया है सारे वेनम्स को एक जगह पे लाना? लेकिन तभी पास से किसी की आवाज आती है। एक्चुअली ये मेरा आइडिया था। और आवाज थी डॉक्टर स्ट्रेंज की जो वेनम सूट में था। और डॉक्टर स्ट्रेंज आगे कहते हैं कि हो सकता है कि ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन फिलहाल अब से तुम एक हिस्सा हो इस बैटल का, एक बैटल हमारे प्रजातियों को बचाने की। ये सुन के एडी पूछता है, क्यों किन बच्चों की इतनी जरूरत की हमें तबाह करने चले? और तभी त'चाला अपने वेनम सूट में एडी के पास आता है और कहता है, हम लोग उन्हें पॉइजन बुलाते हैं क्योंकि उनका सिर्फ एक टच ही हम लोगों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल जहर की तरह जो हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को जो अपने ब्लैक सूट में था, और वो कहता है, एडी ब्रॉक वेट, क्या हम लोग पहले इस बारे में कुछ बात कर ले? मतलब हम लोग एडी ब्रॉक को हम लोग के पास लेके आए हैं जो एक साइको पागल है। और अब इससे इन दोनों के बीच में अब झगड़ा लग जाता है। और तभी उन दोनों के बीच में एजेंट वेनम आ जाता है यानी फ्लैश थॉम्पसन। वो उन दोनों को समझाता है कि देखो भाई लोग, वैसे हम लोगों के जैसे ज्यादा बच्चे नहीं है, और जितने भी गिने चुने बचे हुए है हम नहीं चाहते कि हम सब एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के ही मर जाए। और तभी X-23 चीखती है कि हमें एक साथ काम करना होगा। ये चीजें सिम्बियोट्स को हथियार की तरह बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो इतना पावरफुल होगा जैसे सिम्बियोट्स कभी नहीं हो पाए थे। वो लोग हमारे प्रजातियों को खत्म करके एक नया प्रजाति बनाना चाहते है, और अब क्योंकि ये बात अब हमारे पूरे प्रजाति की है तो हम सभी सिम्बियोट्स को एक साथ काम करना होगा, और सिर्फ सिम्बियोट्स को नहीं होस्ट को भी। और तभी स्पाइडरमैन को कुछ एहसास होता है, ओ मेरा स्पाइडर सेंस, तुम लोगों का पीछा किया गया है। और तभी दीवार तोड़ के पॉइजन हल्क अंदर आता है, हल्क तोड़ेगा। और देख के मेरी जेन तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ से बाहर लेके जाती है, और फ्लैश थॉम्पसन उसे कवर देते हुए हल्क के ऊपर गोलियों की बरसात कर देता है। लेकिन तभी हल्क फ्लैश को एक जोरदार पंच मारता है, और इससे फ्लैश के सीने में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और एडी हैरानी से फ्लैश थॉम्पसन की पेट के उस छेद की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तो लगा था ये बस एक जहर है जिसको हमें बस बिना छुए दूर रहना है। स्पाइडरमैन सभी को कहता है कि एक छोटा कमजोर पॉइजन है, और हल्क और उसके सिम्बियोट के साथ जुड़ने के बाद इस पॉइजन की जहर और भी कमजोर हो गया है, इसलिए हम लोगों को कंज्यूम तो नहीं कर पाएगा लेकिन स्मैश जरूर कर पाएगा, इसलिए भागो। और तभी कैप्टन हल्क के ऊपर झपटते उसे रोकने के लिए, लेकिन पॉइजन हल्क अपने दोनों हाथों से कैप्टन को दबोच लेता है, और कैप्टन चीखते हैं, तुम सब निकलो यहाँ से जल्दी। और एंडी रॉकेट को कहती है टनल को सील कर देने के लिए। रॉकेट कहता है, मामू मैं इस ब्यूटीफुल चीज को पूरी करने ही वाला था, सॉरी कैप, माफ कर देना मामू। और वो अपना बॉम्ब वहाँ पे फेंक के सब वहाँ से निकल जाते हैं, और इस बॉम्ब से बचने की हड़बड़ी में सभी अलग 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 ग्रुप में अलग हो जाते हैं। और स्पाइडरमैन और वेनम एक साथ एक टनल से निकलने में कामयाब होते हैं और बाहर रोड पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका कोई इंतजार कर रहा था, और वो था पॉइजन ऑटो ऑक्टोपस। और ये देख के एडी स्पाइडरमैन से कहता है, तुम तो इसे संभाल लोगे ना, क्योंकि मेरे दुनिया में तो स्पाइडरमैन हर दिन ऐसे छोटे मोटे चीजों को झेलता है, और वो भी बहुत आसानी से। और इसके जवाब में स्पाइडी कहता है कि और ये ज्यादा आसान होगा अगर तुम ये सब सोचना बंद करो कि तुम अपने दुनिया में किसे कैसे जानते हो, बिकॉज हेयर दे आर डिफरेंट। लेकिन तभी ऑटो ऑक्टोपस उनके ऊपर हमला कर देता है और कहता है, और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर तुम सरेंडर कर दो। हाँ, इससे इंसान होस्ट तो मर जाएंगे लेकिन सिम्बियोट्स हम लोगों के साथ जुड़ के एक नए प्रजाति बन जाएंगे, पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग। पॉइजन ऑटो ऑक्टोपस उन दोनों के ऊपर हमला करते जा रहा था, और वो दोनों उसके टेंटिकल से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उसका एक टेंटिकल एडी ब्रॉक के सीने के आर पार चला जाता है, और पॉइजन ऑटो ऑक्टोपस एडी को पकड़ के जमीन में पटक देता है। एडी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, और इस तरफ स्पाइडरमैन अकेला ऑटो ऑक्टोपस से लड़ रहा था, उस तरफ जब स्पाइडी ऑक्टोपस के साथ बिजी था, और तभी इस तरफ एक छोटा सा पॉइजन एडी ब्रॉक के पास आता है, और तभी स्पाइडरमैन चीखता है, उस चीज से बात मत करो। लेकिन इसके पहले कि स्पाइडी आगे कुछ समझाता, डॉक्टर ऑटो ऑक्टोपस उसे पकड़ के जमीन में पटक देता है, और इस तरह वो छोटा पॉइजन अभी भी एडी को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एडी पास से एक पत्थर उठा के उसके सिर पे मारता है, और इस तरह पॉइजन ऑटो ऑक्टोपस स्पाइडी को मार रहा था। तभी वहाँ पे एडी आता है और पीछे से ऑटो ऑक्टोपस का एक जोरदार पंच मारता है, और अपने दांत से ऑटो ऑक्टोपस का एक टेंटिकल काट देता है। और अब जब इस तरफ एडी ब्रॉक अकेला ऑटो ऑक्टोपस से लड़ रहा था, तब उस तरफ घायल स्पाइडरमैन को एक जानी पहचानी सी वॉइस सुनाई देती है, और वो थी आंट मे। आंट मे स्पाइडरमैन से कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पीटर, मेरे साथ चलो पीटर, अंकल बेन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उस तरफ एडी ब्रॉक एक रॉड को पॉइजन ऑटो ऑक्टोपस के सीने में काट देता है, और वो वहीं पे दम तोड़ देता है। और तभी एडी को भी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, और वो जब पीछे घूमता है तो देखता है उसके सामने पॉइजन स्पाइडरमैन था। स्पाइडी,